हेलो दोस्तों, आज हम थर्मल इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल कंसेप्ट मूलभूत सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये सब सारे टॉपिक कवर करेंगे जो हम ये और यहाँ तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट थ्री में एडियाबेटिक होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडियाबेटिक सिस्टम रुद्धोष्म प्रणाली। रुद्धोष्म प्रणाली वह है जो ऊष्मा गति प्रणाली थर्मोडायनेमिक सिस्टम और परिवेश सराउंडिंग के बीच ना तो ऊष्मा का ना ही द्रव्यमान का स्थानांतर होता है, लेकिन ऊर्जा केवल कार्य के रूप में स्थानांतर होती है। यानी एडियाबेटिक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी निकलती है ना मास ही निकलता है, बट केवल एनर्जी निकलती है वर्क के फॉर्म में निकलती है। यानी इस सिस्टम से केवल वर्क डन होता है। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, ये हमारा कंटेनर है, ये कंटेनर है, और ये जो रेत लाइनिंग की गई इसके बाहर, वो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल से की गई है ताकि इन हीट एनर्जी ना निकले। बट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। यहाँ देख रहे हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लगने के कारण इस सिस्टम पे हीट का ना तो आदान होगा ना प्रदान होगा, ना यानी हीट ना तो आएगी ना तो यहाँ से जाएगी, और मास भी निकलने का जगह नहीं है। इस चार यहाँ चारों ओर से बंद है, ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, तो मास भी बाहर नहीं निकलेगा। यानी मास का भी द्रव्यमान का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बट कुछ अरेंजमेंट है जिससे यह ऊपर की पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, यानी हमें वर्क डन मिल रहा है। तो यह सिस्टम एडियाबेटिक कहलाएगा, क्योंकि इसमें ना तो उसमें एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, हीट एनर्जी का ना आदान प्रदान हो रहा है, और ना ही मास का आदान प्रदान हो रहा है, केवल वर्क डन हो रहा है इस सिस्टम से। तो इसको हम एडियाबेटिक सिस्टम कहेंगे। जैसे एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा पेंडुलम है, और पेंडुलम देख रहे हैं हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ रहा है, यानी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ना तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है, बट हमें वर्क डन मिल रहा है। तो ये पेंडुलम भी हमारा एडियाबेटिक सिस्टम कहलाएगा। होमोजेनियस सिस्टम सजाति प्रणाली। ऐसा प्रणाली जिसमें एकल चरण होता है उसे सजाति प्रणाली कहा जाता है। ए सिस्टम डेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज इस टर्म हैज ए होमोजीनियस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सिस्टम जब कोई एक फेज है और उसके साथ एक और फेज मिला रहे हैं, तो दोनों फेज मिलने के बाद हमें जो रिजल्ट आ रहा है एक ही फेज मिल रहा है, तो उसे हम होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे, सजात प्रणाली बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के सब थ्रू समझे, तो अगर हमें दूध है, कोई बर्तन में दूध लिए हैं, यानी एक फेज हो गया दूध हमारा, और उसमें हम पानी डाल रहे हैं, ये हमारा दूसरा फेज हो गया। यानी जब हम दूध में पानी डाल रहे हैं, तो जब डाल पानी दूध में डालने के बाद जब मिक्स हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट जो दिखेंगे फिर बाद में मिलने के बाद, तो हमें केवल दूध
का फेज दिखेगा, यानी वाटर का फेज नहीं दिख रहा हमें, हमें केवल एक ही फेज दिख रहा है। तो इसे हम होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। तो हम एक ऐसे एग्जांपल समझते हैं, ये हमारा दूध है, ये हमारा पानी है, इसको डाल रहे हैं दूध में। जैसे दूध में डालें तो जो रिजल्ट आया हमारा, केवल दूध दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा होमोजेनियस सिस्टम हो गया। हेट्रोजीनियस सिस्टम, विषम प्रणाली, ऐसा प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक चरण होते हैं उसे विषम प्रणाली कहते हैं। ए सिस्टम डेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज इज कॉल्ड ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम यानी जब हम एक क्या दो या दो से अधिक फेज को मिला रहे हैं और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें सारे फेज हमें विजिबल है, मतलब दिख रहे हैं, मिलने के बाद भी सारे फेज हमें दिख रहे हैं, तो ऐसे हमें ऐसे सिस्टम को हम विषम प्रणाली बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर हम एक कंटेनर में पानी लिए हुए हैं और उसमें अगर हम बताओ एक कंटेनर में हम पानी लिए हुए हैं, तो ये हमारे एक पानी जो एक फेज हो गया, और उसमें अगर आयल डालें यानी आयल हमारा दूसरा फेज हो गया, तो जब हम पानी में आयल डालेंगे तो देखेंगे कि पानी अलग दिख रहा है और तेल अलग दिखेगा, तो इन दोनों फेज हमें जो मिलाए हैं दिख रहा है। तो ऐसे में हम इस सिस्टम को हम विषम प्रणाली बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। इसको भी हम एक वीडियो से समझते हैं। ये हमारा पानी है, इसको हम तेल डालें, अब देखिए मिक्स हुआ, फिर देखिए यहाँ पर पानी अलग दिख रहा है, तेल अलग दिख रहा है, यानी पानी का फेज भी दिख रहा है और तेल का भी फेज दिख रहा है, यानी जो मिलाए हैं अलग अलग फेज जो सब दिख रहे हैं, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।